और बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। रावड़ी आवास पहुंची है सीबीआई की टीम। जी हां, जानकारी मिल रही है कि रावड़ी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ये पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी और एक बार फिर से 12 सदस्य की टीम रावड़ी आवास पहुंच गई है और अब यहां पर भी पूछताछ हो सकती है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आवास पर मौजूद हैं। यह बड़ी जानकारी मिल रही है, रावड़ी आवास 12 सदस्य सीबीआई की टीम पहुंच गई है। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी घर पर मौजूद हैं और 12 सदस्यीय टीम पहुंच गई है रावड़ी आवास। बता दूं कि इससे पहले भी रावड़ी आवास पर छापेमारी की गई थी और इस दौरान जो है कई घंटों तक छापेमारी की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से 12 सदस्यीय टीम सीबीआई की वहां पर पहुंच गई है और पूछताछ भी हो सकती है। बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दूं कि कुछ दिनों पहले दिल्ली राउज एनुअल कोर्ट ने 16 लोगों पर यह मामला दर्ज किया था और अब जो 12 सदस्यीय टीम है सीबीआई की वो रावड़ी आवास पर पहुंच गई है और इस दौरान ये जानकारी मिल रही है कि पूछताछ भी की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी मणिभूषण का। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मणिभूषण। तेजस्वी यादव घर पर मौजूद है, रावड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अपडेट्स है? जी अनुजा, जो लगभग छापेमारी जो है 10 बजे रावड़ी आवास पे हुई है, शुरू हुई है, उससे पहले जो है बताया जा रहा है कि तेजस्वी जो है रावड़ी आवास से राजभवन जाते हैं और राजभवन से जैसे ही वो विधानसभा जाते हैं उसी समय जो है सीबीआई की टीम जो है रावड़ी आवास में दाखिल होती है। उस समय रावड़ी आवास पे कई लोग होते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को बाहर किया जाता है, उसके बाद जो है सीबीआई की जो टीम है उनके साथ जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो सभी लोग बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, अंदर किसी की एंट्री नहीं। उसके बाद जो है तेज प्रताप भी अंदर पहुंचते हैं, कुछ देर वो वहां पे रहते हैं और एक बार जो है मीडिया से मुखातिब होने की भी उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर गेट के अंदर वो चले गए। उसके बाद कुछ ही देर बाद वो विधानसभा के लिए चले गए। देखिए, जो मामला है वो जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 का जो उनका कार्यकाल था रेल मंत्रालय का, उस समय जो है जो सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो है काम के बदले और नौकरी के बदले जो है जमीन लिया गया था। और बिल्कुल, और मणिभूषण कुछ दिनों पहले भी रावड़ी आवास पर छापेमारी हुई थी सीबीआई की और इस दौरान जो है 16 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया था। देखिए, वो मामला पुराना था, ये जो है आईआरसीटी का है कि हाल ही में जो है आपने कहा भी है कि जो है सीबीआई की तरफ से अनुरोध किया गया था कि आईआरसीटी पे हम लोग खुद दोबारा जो है जांच करना चाहते हैं और कोर्ट की अनुमति के बाद जो है राबड़ी देवी को 15 मार्च को जो है वो उनको सीबीआई के समक्ष पेश होना था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी का जो है सेहत वो ठीक नहीं है। यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी सिलसिले में राबड़ी देवी से यहाँ पे वो लोग जो है 12 से 14 की जो टीम है वो यहाँ पे उनसे पूछताछ करने पहुंची है। एक बार हम आपको वो ये नज़ारा दिखा दें कि धीरे धीरे जो है उनके कार्यकर्ता और नेता जो है वो राबड़ी आवास पे पहुंचने शुरू हो गए हैं और अपनी तरीके से जो है जो छापेमारी चल रही है उसको डिफेंड करने में लगे हैं और इसे जो है राजनीति को जोड़कर वो देख रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार 2024 में आना जो है मुमकिन नहीं दिख रहा है तो उसी तरह से बिहार में जो पॉलिटिक्स हो रही है और नीतीश कुमार जब से जो है महागठबंधन के साथ आए हैं उसी समय से है जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जो है वो बात केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और कार्यकर्ता यही आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मणिभूषण जानना चाहूंगी कि क्या बाहर आरजेडी के नेताओं का जुटान भी देखने को मिल रहा है? देखिए, कई सारे नेता हमने जो है आपको उनकी जो वक्तव्य आपको भेजा है, जो एमएलसी गांधी है उनका भी भेजा था, कुछ देर पहले जो है शक्ति सिंह यादव है उनका जो है वक्तव्य भेजा है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि बीजेपी बिहार में अब मजबूत से मजबूती नहीं रही है, यही कारण है कि बिहार में है इस तरह का काम जो है केंद्रीय एजेंसियों को बुलाकर किया जा रहा है और ये होली का समय है तो होली में जो है एक खलल डालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जो तेज प्रताप कुछ दिन पहले ही अनाउंस किए हुए थे कि इस बार जो है लठमार होली उनके आवास पे होने वाली है, उसकी आज विधिवत शुरुआत भी होने वाली थी। कई एंगल से जो है यहाँ के जो सरकार में नेता हैं वो लोग
जो है सीबीआई छापे को लेकर बीजेपी को निशाने पे ले रहे हैं, और बीजेपी भी जो है वो बोल रही है कि जो व्यक्ति बता रहा है कि हमसे जमीन जमीन हमने दिया है उसके बदले हमें नौकरी मिली है, तो यही सब बातें हैं जो सामने आ रहा है बीजेपी की तरफ से। भी आप देख सकते हैं जो एजिया यादव जो हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ये क्या कुछ कर रही हैं हम आपको सुनिए। सीबीआई क्लोजेस केस जस्ट बिकॉज देयर वाज नो एविडेंस टू प्रूव द एलिगेशन। जब 2021 में कोई एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाती है सीबीआई केस क्लोज कर देती है, फिर आखिर क्या बात होती है कि अभी वो केस को ओपन कर रही है? तो इट इज जस्ट देखिए जो अनुजा है, जो पूरे आरजेडी का जो खेमा है, प्रवक्ता कह ले या नेता कह ले, सभी लोग आरजेडी जो राबड़ी आवास है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और जो सीबीआई की जो रेड हुई है उसे अपने तरीके से ये जायज और जायज नहीं ठहरा रहे हैं, और साफ तौर पे कर रहे हैं ये एक प्रोसेस पॉलिटिक्स की जा रही है। कई दिनों से जो है लालू परिवार पे जो है सीबीआई का जो बंदिश है वो केवल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है। जानना चाहूंगी कि 12 सदस्यीय सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंची है, 10 बजे से वहां पर पहुंची हुई है, जानना चाहूंगी कि इस दौरान क्या पूछताछ भी की जाएगी? वही जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो राबड़ी देवी अस्वस्थ है उनको 15 मार्च को जो है सीबीआई के समक्ष अटेंड होना था, तो राबड़ी देवी अटेंड नहीं होगी, तो शायद राबड़ी देवी ने कहा होगा कि आप मेरे घर आ सकते हैं और यहीं पे पूछताछ कर सकते हो। सकता है इसी सिलसिले में जो है सीबीआई पहुंची है, और जो जो बताया जाए एक रेड है, वो रेड नहीं है, एक सिंपली पूछताछ है और क्रॉस चेक है। जो भी सीबीआई के पास जो एविडेंस है वो अपना मिलान करेगी, लेकिन यह भी देखना होगा जिस तरह से राबड़ी आवास के बाहर जो है प्रशासन के लोग, सचिवालय थाना से जो पुलिसकर्मी है बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले जब राबड़ी आवास पे जो है वो जब सीबीआई की रेड पड़ी थी तो उस समय काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, और उस समय बिहार में है जो नीतीश कुमार की सरकार जो है बीजेपी के साथ थी, तो उस समय काफी कार्यकर्ताओं ने वो हंगामा मचाया था और काफी सीबीआई का जो है वो हूट भी किया था। तो इसी को देखते हुए जो है यहाँ पे प्रशासन को भी बुला लिया गया है ताकि कार्यकर्ता जो है वो किसी प्रकार का जो है वो होर हंगामा न करे और जांच में सहयोग करे। बिल्कुल अमरी भूषण, लेकिन जो आरजेडी के नेता तमाम हैं उनका कहना है कि इस केस को फिर से रीओपन करवाया गया है, और आरजेडी के नेताओं को खास करके राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, यही बात इन लोग के जो तर्क जो दिया जा रहा है, जो रेड हो रहा है, और कई दिनों से जो सीबीआई के की तरफ से जो है लालू फैमिली पर जो दबिश बनाया जा रहा है, यही तर्क दिया जा रहा है कि यह केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है। इतने दिनों से आखिर सीबीआई को अभी तक मिला क्या है? ये जो है जांच जो है 2014 से चल रहा है, आज 2024 आने वाला, यानी 2023 अभी चल रहा है, 24 में चुनाव होना है, तो इन्हीं चुनाव को देखते हुए जो है ये बीजेपी के, भले माफ कीजिए, जो आरजेडी के प्रवक्ता है, नेता है, वो सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बिहार में अब वो स्थिति नहीं रह गई जब नीतीश कुमार के साथ थे, और यहाँ वो लोग 40 सीट हारने वाले हैं। ये बीजेपी के सभी आरजेडी के सभी नेताओं का ये कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनी भूषण तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो 10 बजे ही 12 सदस्यीय टीम सीबीआई की राबड़ी आवास पर पहुंच गई है। हालांकि बता दूं कि राबड़ी देवी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से वो नहीं जा सकी, तो हो सकता है कि ये जो 12 सदस्यीय टीम है वो राबड़ी देवी से घर पर ही पूछताछ करेगी।